एक समय की बात है, एक गांव में चश्मे वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल गांव के लोगों को अलग अलग तरीके से हमेशा परेशान किया करती थी। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा होता है, तभी चुड़ैल वहां आती है। क्या कर रहे हो राजा? और फिर चुड़ैल रामू के हाथ से उसकी कुदाल छीन कर पेड़ पर चढ़ जाती है। हे भगवान, अरे चुड़ैल दीदी, यह तुमने क्या किया? अब मैं काम कैसे करूँगा? अरे जल्दी से उसे नीचे फेंक दो दीदी, अभी मुझे बहुत काम करना है। चुड़ैल रामू की कुदाल नीचे फेंक देती है और वो सीधे रामू के सर पर आ गिरती है। आराम मर गए, अरे तेरा सत्यानाश हो। तूने ही तो कहा था नीचे फेंक, तो मैंने फेंक दी। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन गिरधारी अपने दहेज में मिले नए स्कूटर को चलाने के लिए घर के बाहर सड़क पर ले आता है, तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे सुनिए जी, आप अपना बटुआ घर पर भूल गए हैं, इसे लेते जाइए। गिरधारी स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर बटवा लेने घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ चश्मे वाली चुड़ैल आ जाती है और स्कूटर पर लगी चाबी देखकर हंसते हुए कहती है, कितना बड़ा बेवकूफ है, स्कूटर पर चाबी लगी छोड़कर चला गया, अब तो इसे मैं चलाऊंगी। और जैसे ही चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी गिरधारी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। अरे ना समझ चुड़ैल, मेरा स्कूटर लेकर कहाँ जा रही है? अरे मेरा स्कूटर वापस कर दे, कल ही दहेज में आया है, अरे कोई तो उसे पकड़ो। चुड़ैल गिरधारी का स्कूटर लेकर दूर निकल जाती है। इसी तरह आए दिन चुड़ैल गांव को किसी न किसी तरह परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे सभी गांव वालों में उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि कुछ गांव वाले तो उस चुड़ैल की रोज रोज की हरकतों से तंग आकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन हरिया अपनी बैलगाड़ी में बहुत सारा अनाज लादकर उसे बेचने के लिए शहर की ओर जा रहा होता है, तभी अचानक रास्ते में उसे चश्मे वाली चुड़ैल मिल जाती है। हरिया चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, गई भैंस पानी में, ये कमबख्त चश्मे वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये मेरा सारा अनाज लेकर भाग जाएगी और मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। जैसे ही चुड़ैल हरिया की ओर बढ़ती है, अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगती है और आसपास पड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और वो अंधों की तरह ही चलने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या हो गया, अचानक दिन में रात कैसे हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिया समझ जाता है कि चुड़ैल को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। वो भागकर गांव जाता है और गांव वालों को चुड़ैल की इस कमजोरी के बारे में बता देता है। तभी गिरधारी कहता है, अरे वाह, क्या बढ़िया खबर लाए हो हरिया, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, किसी तरह उसका चश्मा हमें मिल जाए। लेकिन उसका चश्मा लाएगा कौन? तभी भीड़ से बाहर निकलकर बब्बन सामने आता है और कहता है, आप सभी गांव वाले चिंता मत करिए, उस चुड़ैल से उसका चश्मा मैं ले आऊंगा, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। फिर अगले दिन बब्बन एक सूटकेस में कुछ चश्मे रख कर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद बब्बन थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक चश्मे वाली चुड़ैल उसी पेड़ से नीचे उतरकर बब्बन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे चुड़ैल दीदी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल हैरानी से बब्बन से पूछती है, अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया?
लोग तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं और तू मुझे ढूंढ रहा था। अजीब आदमी है तू। अरे चुड़ैल दीदी, मेरी चश्मे की दुकान है। ये क्या, तुमने तो बहुत पुराने जमाने का चश्मा पहन रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसी वक्त नया चश्मा दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चश्मे हैं। फिर बब्बन चुड़ैल को कुछ चश्मे दिखाते हुए कहता है, ये चश्मा बड़े से बड़े आंधी तूफान से तुम्हारी आंखों को बचाएगा। इसे लगाने के बाद तुम्हारी नजर चील की तरह तेज हो जाएगी, फिर तुम अपने शिकार को दूर से ही देख सकोगी चुड़ैल दीदी। अरे वाह, ये तो बड़े काम का चश्मा है। ला ला, जल्दी से मुझे दे दे। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पहले वो अपना पुराना चश्मा तुम मुझे दे दो। मुझे देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा चश्मा तुम्हारे लिए सही रहेगा। चुड़ैल जल्दी से अपना चश्मा उतारकर बब्बन को दे देती है और बब्बन चुड़ैल का चश्मा अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है, जल्दी से मुझे चश्मा दे। चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रहा है तू? तभी बब्बन हंसते हुए कहता है, अरे बेवकूफ चुड़ैल, अब ये चश्मा तुझे नहीं मिलेगा। बहुत दिनों से तूने पूरे गांव को परेशान करके रखा था, अब भटकती रहे इस जंगल में। आज से तू चश्मे वाली चुड़ैल के नाम से नहीं बल्कि अंधी चुड़ैल के नाम से जानी जाएगी। मैं तो चला अपने घर। फिर बब्बन चुड़ैल का चश्मा लेकर उस जंगल से गांव लौट जाता है और वो चुड़ैल हमेशा के लिए अंधी बनकर उस जंगल में भटकती रह जाती है, पर फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाती।